तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि GTA 5 में फॉर्चूनर लेजेंडर को कैसे ऐड करें। सो गाइस, इसको ऐड करने के लिए आपके पीसी में आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो प्रीलोडेड होनी चाहिए। गाइस, मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि आपको इसको कैसे ऐड करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको ओपन करना है। जैसे गाइस आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का शो करेगा। सो गाइस, इसको आपको करना है डाउनलोड। जैसे आप इसको डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपको कुछ पूछेगा, इसको आपको करना है डाउनलोड एनी वे पे क्लिक और ये आपका फाइल डाउनलोड होने लगेगा। सो गाइस, थोड़ी देर वेट करो और जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आपको ओपन करना है। सो गाइस देखो, अब मेरा डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको ओपन करूंगा। सो गाइस, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो आप इसको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस इसको आपको करना है एक्सट्रैक्ट। सो गाइस, उसके लिए आपको जो ऊपर एक्सट्रैक्ट टू है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके न्यू फोल्डर में क्लिक करके ओके कर दो। गाइस, और कुछ नहीं करना है, बस अब आपका ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा। सो गाइस देखो, मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको आप मिनिमाइज़ कर दो और अब एक बार रिफ्रेश कर दो तो आपके डेस्कटॉप पे वो शो होने लगेगा। सो गाइस, ये है वो फोल्डर, देख लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन करनी है। उसके लिए आपको स्टीम को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ब्राउज लोकल फाइल पे आपको क्लिक करके आपकी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी खुल जाएगी। सो गाइस, ये है मेरी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। अब आपको मोड्स का फोल्डर ओपन करना है। सो गाइस देखो, यहाँ पे है मेरा मोड का फोल्डर, अब मैं इसको ओपन करूँगा। उसके बाद आपको अपडेट को ओपन करना है। अपडेट को ओपन करके X64 को ओपन करो। उसके बाद आप नीचे और DLC पैक्स को ओपन करके उसके बाद ये जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो गाइस देखो, ये मेरा पेस्ट हो चुका है। अब एक बार रिफ्रेश करके इसको कट कर सकते हो आप। अब आपको ओपन करना है OpenIV का फोल्डर। सो गाइस, ये ऊपर रहा मेरा OpenIV का फोल्डर, मैं अब इसको ओपन करूँगा, विंडो पे क्लिक करके स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, एक बार याद रखना कि इसको आपको हमेशा एडिट मोड में रखना है। अब आपको मोड्स का फोल्डर इसमें ओपन करना है। उसके बाद आपको अपडेट का फोल्डर, उसके बाद अपडेट RPF का, उसके बाद आपको इसका कॉमन का फोल्डर ओपन करना है। अब इसमें आपको डाटा ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपको DLC लिस्ट नाम की एक फोल्डर होगी, उसको ओपन करो। और हाँ गाइस, इसको एडिट मोड में ज़रूर रखना, तभी ये वर्क करेगा। तो गाइस यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद अब इसको आपको एडिट मोड में जाके और यहाँ पे आपको एक नीचे की लाइन कॉपी करनी है। और उसके बाद जब आप इसको कॉपी कर लो तो थोड़ा सा एक इंटर दबा के एक बार इसको पेस्ट कर दो। सो गाइस ये देखो, मैंने पेस्ट कर, मतलब यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। और उसके बाद जो ये बीच में लिखा है उसको कट करके आपको यहाँ पे लिखना है WALDP। सो गाइस देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सपीरिया को कट करके, अब मुझे यहाँ पे लिखना है WALDP। सो गाइस ये देखो, मेरा WALDP हो गया। अब मैं इसको आपको सेव कर देना। सो गाइस ये देखो, मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। सो गाइस जल्दी से मैं सेव कर देता हूँ, अब इसको कट कर देता हूँ। अब आपको गेम में जाना है। सो गाइस चलो, मैं अभी अपने गेम की स्क्रीन पे आपको मिलता हूँ। सो गाइस ये रहा मेरा गेम का स्क्रीन और ये देखो ट्रेवर यहाँ पे डांस कर रहा है। सो गाइस अब आपको F8 दो बार दबाना है। जैसे आप F8 दो बार दबाओगे आपका यहाँ पे मेन्यू का खुल जाएगा। आपको नीचे जाना है व्हीकल ऑप्शन में, उसके बाद आपको नीचे जाके व्हीकल स्पॉनर में जाना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है इनपुट मेथड का, इसको ओपन करके यहाँ पे लिखना है आपको WALDP। सो गाइस WALDP, अब आप इंटर जैसे ही दबाओगे आपका फॉर्चूनर आ जाएगा। सो गाइस ये देखो, ये रहा मेरा लेजेंडर। सो गाइस एक बार देख लो, ये फुली फंक्शनल है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी हेडलाइट वगैरह सब वर्क करती हैं। और ये रहा गाइस, ये है थोड़ा इसका बैक, मतलब साइड का व्यू। और इधर देखो गाइस, ये इसका इंटीरियर भी देख लो कैसा दिखता है गाइस। तो ये रहा इसका इंटीरियर, देख लो गाइस, स्पीडोमीटर भी सब है। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने GTA खेलने वाले फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी ऐड कर ले। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी और गाड़ी की मॉड चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो।